हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है और वो करंट टॉपिक का हिस्सा है और जिसका शीर्षक है कैप्चर ऑफ पावर बाय तालिबान इन अफगानिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त को तालिबान के आतंकवादियों ने काबुल को कब्जा कर लिया और अफरा तफरी मची हुई है। लोगों को अनुमान था कि तालिबान काबुल तक आने में उसे 3 महीने का समय लगेगा और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और उसकी सेना तालिबान के साथ जबरदस्त फाइट करेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के पास में 3 लाख फौज है और तालिबानियों के पास में मुश्किल से 40-50 हज़ार फौज था। तो दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि जो ही अमेरिकन ने डेडलाइन फिक्स किया कि उन्हें 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ देना है, जो उन्होंने कतर की राजधानी दोहा में फरवरी महीने में साइन किया था और अमेरिकन फोर्स के विड्रॉल का जो डेडलाइन है उन्होंने 31 अगस्त को फिक्स किया था, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इतने ही कम दिनों में ताश के पत्तों की तरह अफगान सरकार बिखर गई। तो दोस्तों, ये परसेप्शन का खेल है। ऐसा नहीं कि अफगान फौज जो है वो कमज़ोर है या कम ताकतवर है या डरपोक है। दरअसल में जब एक सर्वे हुआ था आज से करीब 1-2 महीने पहले, तो बताया गया कि मात्र 15% अफगानी तालिबानियों के समर्थक हैं, लेकिन जो ही अमेरिकन फोर्स अफगानिस्तान से लौटने लगी, क्यों ही लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया और उन्हें लगा कि अफगानी फौज तालिबानियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आखिर दोस्तों, ऐसा परसेप्शन क्यों चेंज हुआ, उसके रीजन क्या है, आज इन सारी बातों पर मैं विश्लेषण करूंगा। तो आज के हमारे टॉपिक का जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि हु आर तालिबान्स। जो स्टूडेंट्स UPSC, MPPSC और अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि तालिबान कौन है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ तालिबान्स, तालिबान के राइज होने का क्या कारण है, उनकी बढ़ती ताकत का क्या कारण है, तीसरा पॉपुलेशन कंपोजिशन अफगानिस्तान का क्या है, उसका टोपोग्राफी क्या है। ये बिना समझे हुए आप अफगानिस्तान और तालिबान को नहीं समझ सकते। और चौथा, रोल ऑफ USA, USA की क्या भूमिका रही है। पांचवा, व्हाई अफगानिस्तान गवर्नमेंट लॉस्ट, क्यों बिना युद्ध किए हुए, क्यों बिना एक गोली चलाए हुए उसने सरेंडर कर दिया। और छठा, अब जब तालिबान का हुकूमत अफगानिस्तान पर हो जाएगा तो उसके बाद में हिंदुस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां का राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोड़कर के चला गया। अभी किसी को यह पता नहीं है कि वो कहां गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो ताजिकिस्तान गए हैं, कुछ लोगों को कहना है कि वो दुबई गए हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि वो देश इसलिए छोड़ के गए ताकि वो खून खराबा नहीं चाहते थे और इसीलिए आम जनता के हिफाजत के दृष्टिकोण से उन्होंने देश छोड़ना उचित समझा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर हु आर तालिबान, आखिर तालिबान है कौन। तो पहला कि तालिबान जो है वो एक पश्तो वर्ड से आया है। आपको जैसे मालूम है
कि अफगानिस्तान में लगभग 52% लोग पश्तो भाषा बोलते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में और ईरान में भी पश्तो भाषा बोलते हैं। तो पश्तो में तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट्स। और दोस्तों, ये स्टूडेंट्स का राइज कैसे हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये तालिबान क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो अफगानिस्तान का जो टोपोग्राफी है और जो उसका जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, ये हमें समझना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी ये नक्शा है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के बगल में पाकिस्तान है और उसके बाद में अफगानिस्तान है, और अगर आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर से ऊपर जाएं तो रोंडू जगह है, और यहाँ से बहुत नज़दीक में करीब 100-125 किलोमीटर के बाद में आपको ये पिंक पीले कलर का एरिया मिलेगा। ये जो है, ये एरिया जो है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है और उसके ऊपर ताजिकिस्तान का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नज़दीक अफगानिस्तान है। दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान, खास करके दक्षिणी अफगानिस्तान का हिस्सा जो है, वो हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें अफगानिस्तान 1923 से लगातार स्वतंत्र रहा है और अंग्रेजी हुकूमत को वहाँ से जाना पड़ा, और उसके बाद से लगातार यहाँ पर वहाँ के लोगों के द्वारा शासन प्रशासन चलाया गया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो पश्चिम भाग में उज्बेकिस्तान है, उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान है, और इसके बाद में ईरान है एकदम पश्चिम में, और इसके बाद में पाकिस्तान जो है वो पूरब में है, और फिर दक्षिण में भी है। तो इस तरह से ये कंट्री जो है ना, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। अब अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे तो उसका जो टोपोग्राफी है वो पूरी तरह से हिंदुकुश पर्वत भी है वहाँ, और उभर खाबर एरिया है, पहाड़ी है, जंगल है, समतल मैदान का भारी अभाव है। दूसरा, ये जो कंट्री है वो मल्टी इथनिक और मल्टी लिंगुअल कंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जातीय समूह रहते हैं और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पश्तो और डारी। और दूसरा, यहाँ पर अनेक प्रकार के भाषाएं बोली जाती है। दूसरा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इथनिक ग्रुप रहते हैं जिसमें एका नहीं है। अब सबसे बड़ा जो इथनिक ग्रुप है, जो जातीय समूह है, उसको बोलते हैं पश्तो, और ये अफगानिस्तान की आबादी के लगभग 42% इनकी आबादी है। और इसके बाद में जो दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इथनिक ग्रुप है वो है ताजिक, और ताजिक का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 21-22% है। और इसके अलावा जो हजारा, जो सेंट्रल अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको हजारा इथनिक ग्रुप या जाति समूह कहते हैं, और इनका पॉपुलेशन 24.5% है। बेसिकली इस्लाम में सुन्नी मतावलंबियों का बहुमत है। सारा अफगानिस्तान धर्म के मामले में 99% लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, और उसमें भी बहुत संख्यक लोग सुन्नी सेक्ट को मानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्तून, ताजिक, हजारा, इसके अलावा और बहुत सारे इतनी ग्रुप हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, और वो कौन कौन हैं? उज्बेक, नूरिस्तानीज, ऐमक, तुर्कमान, बलोच, ये महत्वपूर्ण इथनिक ट्राइबल ग्रुप हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान
कहने के लिए तो एक कंट्री है, एक देश है, और हिस्टोरिकल रीजन, ऐतिहासिक कारणों से वो देश अभी मौजूद है, लेकिन जो नेशनलिज्म की जो भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, जिसके आधार पर के नेशन स्टेट का निर्माण हुआ है 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो ये भावना वहाँ पर बहुत ही कमजोर है। और इस भावना पर सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव किसका पड़ता है, प्राइमोर्डियल लॉयल्टी का, जो मुख्य जो मैंने अभी जो इतनी ग्रुप के बारे में बताए हैं, जो बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनका वर्चस्व अफगानिस्तान की राजनीति में पॉलिटी पर रहता है। और यही कारण है कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को फलने फूलने से हमेशा रोकता रहा। आपको मालूम होगा कि 1973 में जहीर शाह को तख्ता पलट किया, तख्ता पलटा गया, और उसका ही जो प्रधानमंत्री था दाऊद खान, उसने तख्ता पलटा। आखिर ये तख्ता पलट हुआ क्यों? क्योंकि जहीर शाह ने तो वहाँ पर दो सदनीय, जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था है, उसी तरह से दो सदनीय व्यवस्था कायम किया था, चुनाव भी करवाए थे, प्रजातंत्र की नींव डाली गई थी। लेकिन वहाँ के जो क्लर्जी हैं, जो रिलीजियस, विभिन्न जो इतनी ग्रुप के जो रिलीजियस हेड्स हैं, उन्होंने देखा कि अगर बहुमत के आधार पर शासन प्रशासन चलाए जाते हैं तो इसमें तो सभी को हमें हिस्सा देना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि अधिकांश जो जनसंख्या है वहाँ वो किनका है, पश्तूनियों का। तो इस जो पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है, उसके वो मुल्ला मौलवी विरोध में आ गए। वो नहीं चाहते थे कि सत्ता का पार्टिसिपेशन, पावर का पार्टिसिपेशन दूसरे अन्य इथनिक ग्रुप के द्वारा भी किया जाए। और इसके लिए पश्तूनियों ने क्लर्जी को आगे बढ़ाया, मुल्ला मौलवियों को आगे बढ़ाया। और उन्हें यह भी पसंद नहीं आया कि जहीर शाह ने जिस तरह से महिलाओं को आज़ादी दिया, शिक्षा, महिलाओं के लिए भी शिक्षा आम कर दिया गया, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स उनके शासन में किए गए, तो उनसे ये जो विभिन्न प्रकार के जो रिफॉर्म सुधार जो किए गए, उससे व्यथित होकर के मुल्ला मौलवियों ने जहीर शाह के खिलाफ में मोर्चाबंदी कर लिया। और फिर दाऊद खान के नेतृत्व में उन्होंने जहीर शाह का तख्ता पलट कर दिया, और दाऊद खान खुद प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हो गया। दोस्तों, ये बात अलग है कि कुछ दिनों के बाद में 1978 में दाऊद खान खुद मारा गया, और बाद में जब सोवियत यूनियन ने देखा कि उसका जो नुमाइंदा है वो उसको सत्ता से हटा दिया गया है, और उस पीरियड में सोवियत यूनियन का बहुत ज़्यादा दखलंदाजी था अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जो मैंने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो एरिया बताया जो ठीक उसके बाउंड्री लाइन पर है, अफगानिस्तान के बाउंड्री लाइन पर है पश्चिमी भाग में, ये सारे जो अभी देश बने हुए हैं वो 1990 से पहले सोवियत यूनियन के हिस्सा थे। तो सोवियत यूनियन का बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान में था। तो इसीलिए सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की अंदरूनी राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। लेकिन जब दाऊद खान मारा गया तो उसके बाद में सोवियत यूनियन ने क्या किया, 1979 में उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और उसको कब्जा में ले लिया। अब लेकिन क्लर्जी, जो मुल्ला मौलवी थे, जो खास करके पख्तून, उन्होंने इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने इसको नहीं माना। जो सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया था उससे उसका उन्होंने विरोध किया। बाद के वर्षों में
पाकिस्तान के मदद से, अमेरिका के मदद से, सऊदी अरबिया के मदद से इन लोगों ने पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मदरसे खोल करके वहाँ के बच्चों को इस्लामिक थियोलॉजी के बारे में पढ़ाना लिखाना शुरू किया, उनको मुजाहिदीन के रूप में तैयार किया जाने लगा। द पर्सन हु विल पार्टिसिपेट एज जिहादी अगेंस्ट द अफगान ऑक्यूपेशन बाय सोवियत यूनियन। और इस तरह से दोस्तों तालिबान की उत्पत्ति हुई। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका का, पाकिस्तान का और सऊदी अरबिया का जो मदद मिला जिहादियों को, खास करके मुजाहिदीनों को, तो उसे मुजाहिदीन धीरे धीरे मजबूत होते गए और अंत में हम क्या देखते हैं कि 1989 में, 189 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? एक तो युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चे आ रहे थे, दूसरा सोवियत यूनियन की हालत कमजोर होती जा रही थी और आप सबको मालूम है कि 1990 में सोवियत यूनियन खुद विखंडित हो गया। तो दोस्तों अब इसका प्रभाव अफगानिस्तान पर क्या पड़ा? जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से वापस चला गया तो वहां पर मुजाहिदीनों ने पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया और ये लूटमार मचाने लगे। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। जगह जगह हथियारबंद लोग घूमने लगे, गुंडा एलिमेंट्स का बोलबाला हो गया और ऐसी स्थिति में मुल्ला उमर ने, जो कि तालिबान का हेड था और इसका हेडक्वार्टर कंधार था, उसने तालिबान राज की स्थापना किया और धीरे धीरे 1996 में तालिबान का शासन पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कायम हो गया। अफगानिस्तान के लगभग 85% इलाके पर उनकी हुकूमत स्थापित हो गई और यह करीब 2001 तक चला। और इस 5 साल के पीरियड में उन्होंने जबरदस्त ढंग से महिलाओं का शोषण किया, लूटमार मचाया, शरिया कानून को लागू किया। और दोस्तों ये शरिया कानून भी नहीं था, वास्तव में आपको बता दूं कि जो तालिबान का जो बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो है शरिया कानून, बट इट इज कंबाइंड विथ पश्तून वाली। एंड व्हाट इज दिस पश्तून वाली? पश्तून वाली मतलब जो ट्राइब पश्तूनों का जो कानून चलता है उसको, जो उनका जो ट्राइबल कोड है उसको जोड़ना और इसके बाद में रेडिकल देवबंदी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, मतलब कट्टरवादियों का इस्लाम में जो कट्टरवादी पंथ है देवबंदी स्कूल उसको फॉलो करना। तो इस तरह से तालिबान जो है वो आइडियोलॉजिकल क्या है, एक कॉकटेल है जिसमें कि नंबर वन शरिया कानून है, दूसरा उसको जो पश्तूनों के जो ट्राइबल लॉज है उसको जोड़ा गया और तीसरा वो अपने शासन को लेजिटिमाइज कैसे करता है, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ देवबंदी स्कूल ऑफ इस्लाम। तो ये इसका बेसिक इडियोलॉजी है, मतलब विचारधारा है दोस्तों। और इसने अलकायदा जो कट्टर आतंकवादी संगठन था उसको भी समर्थन दिया। हमारे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी विभिन्न प्रकार के घटनाएं पिछले 30 साल से कर रहे हैं उसका भी उसको समर्थन हासिल है था। तो इस तरह से ये एक क्रूर आतंकवादी संगठन के रूप में अफगानिस्तान में काम करने लगा।
दोस्तों 2001 में जब 9/11 की घटना अमेरिका में हुई और उसके तीन टावर को गिरा दिए गए और 3000 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए, तो जब अमेरिकनों ने इसकी जांच पड़ताल किया तो उन्हें पता लगा कि ये काम अलकायदा आतंकवादी समूह का है और फिर वो इसके पीछे पड़ गए। उन्होंने मुल्ला उमर से कहा कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें हैंडओवर करें, लेकिन तालिबानियों ने नहीं माना और अल्टीमेटली 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और तालिबान का शासन समाप्त हो गया। और वहां पर एक पश्तून नेता हमीद करजई को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया गया, विधिवत चुनाव कराए गए, पूरे अफगानिस्तान में पुनः सत्ता स्थापित की गई, तालिबानियों को खदेड़ा गया। लेकिन दोस्तों 15% इलाकों में तब पर भी तालिबानियों का प्रभाव रहा। आखिर आज की तारीख में तालिबान का हेड कौन है? इनका नाम है हिबतुल्ला अखुंड ज्यादा। और तालिबान में जो उनका लोया जिरगा है, जो काउंसिल है, वो क्या है, उसके नीचे इसको क्वेटा सूरा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के क्वेटा शहर से हुई है। इसको रहबारी सूरा भी कहते हैं, जो कि उनका सबसे सुप्रीम काउंसिल है। और जो कमांडर इन चीफ है उनका नाम है हिबतुल्ला अखुंड ज्यादा। उनके नीचे तीन डिप्टीज, महत्वपूर्ण डिप्टीज हैं जो काम करते हैं। अब वो कौन कौन है? मोहम्मद याकूब। अब ये मोहम्मद याकूब कौन है? जो मुल्ला उमर का बेटा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2013 में मुल्ला उमर की मौत हो गई और उसके बाद में उसका जो बेटा है मोहम्मद याकूब, ये जो है वो धार्मिक मामले और विचारधारा के मामले का सुप्रीम कमांडर है। दूसरा अब्दुल गानी बरादर, ये तालिबान के को फाउंडर भी हैं और साथ साथ आजकल पॉलिटिकल कमीशन का काम देखते हैं, और जो दोहा में जो वार्ता हुई अमेरिका के साथ में उसको भी वो लीड करते हैं। और तीसरा सिराजुद्दीन हक्कानी, ये हक्कानी नेटवर्क के मुखिया तो हैं ही, साथ साथ जो भी लोग तालिबान के खिलाफ में सर उठाते हैं या उनका प्रतिरोध करते हैं उसको कुचलने का काम सिराजुद्दीन हक्कानी के द्वारा किया जाता है। और ये जो तीन जो डिप्टी हैं इसके नीचे में बहुत सारे कमीशन्स काम कर रहे हैं, और इसमें कि मिलिट्री कमीशन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के जो कमीशन है वो तालिबान के जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या हेल्थ पॉलिसी या प्रोपोगंडा पॉलिसी, इसको इम्प्लीमेंट या क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। अब दोस्तों रोल ऑफ यूएसए, अब जैसा कि आपको मालूम है कि 2001 में यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया गया, तालिबान को वहां से रुखसत कर दिया गया, उनको खदेड़ा गया और हमीद करजई के नेतृत्व में वहां पर सत्ता सूत्र संभाले गए। लेकिन तालिबानियों को पूरी तरह से कुचला नहीं जा सका और अभी भी 15% इलाके पर उनका प्रभाव जरूर था। दोस्तों इसके बाद में अमेरिकनों ने अलकायदा को ढूंढने का पूरा प्रयास किया, उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का पूरा प्रयास किया और अंत में पता लगा कि वो पाकिस्तान के एबोटाबाद में वो पकड़ा गया और फिर उसको मारा गया, आप सबको मालूम है। दोस्तों शुरुआत समय में
अमेरिका ने करीब 1,00,000 फौज अफगानिस्तान में उतारे थे, और धीरे धीरे जब तालिबानियों की स्थिति कमजोर हो गई तो उन्होंने अपने फौज की संख्या कम किया, और अभी 2011-12 के बाद से 14,000 अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में काम कर रहा था। और ये जो फौज थे वो बेसिकली वहाँ के अफगानिस्तान के जो फौज या उनके पुलिस उसको सपोर्ट देने का काम कर रहा था। लेकिन जो धीरे धीरे अमेरिकन को ये एहसास हो गया कि अफगानिस्तान में वो तालिबानियों से नहीं जीत सकते हैं, उसका रीज़न क्या है? पहला जैसे मैंने आपको टोपोग्राफी बताया, दूसरा मैंने बताया कि जो इतनी ग्रुप जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में एक जबरदस्त और मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत, मजबूत मिलिट्री के रूप में मजबूत एक इतनी ग्रुप है, और ये तालिबानी जो है वो पश्तून से ही आते हैं, तो पश्तूनियों का जबरदस्त समर्थन उनके पास उनको है, और ये पश्तून नहीं चाहते हैं कि दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो उनके साथ सत्ता में भागीदारी करें। और इसी कारण से जहीर शाह को उन्होंने सफल नहीं होने दिया। जो जहीर शाह ने जो वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना किया 1967-68-69 में, तो उसको उन्होंने विरोध किया, और अल्टीमेटली 1973 में जहीर शाह को अपदस्थ कर दिया गया। दोस्तों दूसरा कारण क्या है? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 20 साल में अमेरिकन ने लगभग 1 से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किए, ये बहुत बड़ी रकम है। दूसरा, करीब 5,00,000 से ज़्यादा सिविलियन, अफगान सिविलियन या अफगान फौज या अमेरिकन फौज, और कल लगभग अमेरिका के लगभग 2300 फौज मारे गए, और लगभग 5,00,000 सिविलियन मारे गए, अफगान फौज मारे गए, उसी तरह से तालिबान आतंकवादी भी मारे गए जिनकी तादाद 2-3 लाख से कम नहीं होगी। 2,300 अमेरिकन फौज मारे गए, और इसके अलावा 20,000 से ज़्यादा अमेरिकन फौज जख्मी हुए। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि जिस तरह से अफगानिस्तान का जो टोपोग्राफी है और जिस तरह से उसे बाहरी समर्थन मिलता रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ जो है वो अन्य देशों से घिरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में और जो उसका टोपोग्राफी है वो जंगल, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ जैसे सुलेमान रेंज, जैसे हिंदुकुश पर्वत, ये सारे पहाड़ जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, जंगल हैं, छुपने का स्थान है। तो तालिबानियों ने क्या किया इन 20 वर्षों में? उन्होंने देखा कि अमेरिकन फौज से तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाया, और छापामार युद्ध के तहत में अनेक अफगानी फौजों को, अमेरिकन फौजों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और अंत में धीरे धीरे अमेरिकनों को यह एहसास हो गया कि वो अफगानिस्तान में जीत नहीं सकते हैं, केवल बर्बादी हो सकती है। दूसरा, अमेरिका का जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी अब अमेरिकन फौज को अफगानिस्तान में रखने के पक्ष में नहीं था, इसलिए नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह कहना पड़ा अपने प्रचार के समय में कि जो ही वो सत्ता में आएंगे वो अफगानिस्तान से फौज को वापस कर लेंगे। दोस्तों लास्ट में, व्हाई अफगानिस्तान गवर्नमेंट फेल्ड? अफगानिस्तान गवर्नमेंट फेल इसलिए हुआ
कि आप देखेंगे कि तालिबान में भी जो अधिकांश लोग हैं वो कौन है, पख्तून है। और जो अफगान गवर्नमेंट का जो मुखिया है, चाहे वो अशरफ घानी हो और चाहे उसके पहले हमीद करजई हो, ये सब कौन है, पख्तून है। तो कभी भी इनको लेजिटिमेसी पख्तूनियों के बीच में प्राप्त नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पख्तून का जो बेसिक जो माइंड सेट है वो क्या है कि दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप हैं उसके साथ में पावर शेयरिंग नहीं करना। आपको मालूम होगा कि तालिबान का जब शासन 5 साल तक 1996 से लेकर 2001 तक रहा, तो उन्होंने बारी बारी से धीरे धीरे जो भी दूसरे इतनी ग्रुप के लोग ऊंचे पदों पर थे उनको हटा दिया और पख्तून को वहां पर पदस्थ कर दिया, भले उसमें उतनी क्षमता हो या ना हो। तो पख्तूनों ने कभी भी चुने हुए सरकार को, चाहे वो हमीद करजई की सरकार हो चाहे अशरफ गानी की सरकार हो, उसको ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया। तो ये एक फैक्टर था। दूसरा, जो भी शासक हुए पिछले 20 साल में, उन्होंने दूसरे दूसरे कौम के बीच में या अपने ही कौम के बीच में जगह जगह जा करके उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज नहीं किया। किसी को याद नहीं है कि हमीद करजई ने कभी हेरात में जा करके या कंधार में जा करके या दूर दराज के इलाके में जा करके वहाँ पर भाषण किया हो और वहाँ के लोगों को मोबिलाइज किया हो। तो ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी नाकामी है। तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान का जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा उभड़ खाबड़ है, अंडुलेटिंग लैंड है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये और ये मिलिट्री अभियान के लिए उतना मुफीद जगह नहीं है। और जहाँ पर कि तालिबानियों ने जो गुरिला टैक्टिक्स अपनाया वहाँ पर उनकी रणनीति फेल हो जाती थी, जैसा आपने शिवाजी का गुरिला नीति मुगलों के साथ देखा और किस तरह से शिवाजी ने मुगलों को छक्के छुड़ा दिए। तो दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट कारण थे जहाँ पर कि अफगानिस्तान के शासक फेल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि यदि तालिबान का शासन अफगानिस्तान में हो जाता है तो उसके परिणाम हिंदुस्तान पर क्या होंगे। तो इसके परिणाम मेरे विचार से गंभीर हो सकते हैं। जो उन्होंने 1996 से 2001 तक जो शासन किया और जो उनका रवैया रहा, अगर उस रवैये में अगर परिवर्तन हो गया हिंदुस्तान के प्रति तब तो सो मच सो गुड है, लेकिन जिस तरह से उनका रवैया रहा था उसमें उसका अंजाम क्या होगा, तो नंबर वन पॉइंट, बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, जो कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के हिस्से से, अब क्या होगा कि उन्हें, चूंकि अफगानिस्तान कि सरकार अगर उन्हें मदद करती तो उन्हें बहुत ज़्यादा डेप्थ मिल जाएगा, गहराई मिल जाएगा अपने ऑपरेशन देने का। जैसा मैंने कहा कि मात्र 100-125 किलोमीटर ही डिफरेंस है, मतलब दूरी है, तो काफ़ी डेप्थ मिल जाएगा। जैसे कि लश्कर ए तौबा या बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं जो हमारे देश के जम्मू कश्मीर इलाके को के जो स्टेबिलिटी है उसको तोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर कान पहुँचा सकते हैं और भारत सरकार को और ज़्यादा तत्परता से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा। दूसरा, इस 20 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करोड़ों रुपया वहाँ के आधारभूत संरचना को तैयार करने के लिए किया। और दोस्तों, अब आगे के दिनों में इतने ज़्यादा जो भारत सरकार ने जो खर्च किए हैं उसका क्या अंजाम होगा कोई भी नहीं जानता है। और तीसरा, इसका इफेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान का लिवरेज बढ़ जाएगा। क्यों, कि सबको पता है कि तालिबान को शुरू से लेकर अभी तक हमेशा पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा मदद मिलती रही। हालांकि 2001 के बाद में उन्होंने पब्लिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं, हम उनको मदद नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका के खौफ के कारण डिनाई करता रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है
कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे वो अन्य देश हो, इवन चाइना, तालिबान को मदद करता रहा और इसके कारण से उसे विभिन्न प्रकार के हथियार मुहैया करवाए जाते रहे हैं। और जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान पर पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा तो अफगानिस्तान में जो हमारा जबरदस्त जो गुडविल था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। हमने जो करोड़ों रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए किया था उसका क्या परिणाम होगा ये हम नहीं जानते। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो ये है कि अब आतंकवादी और ख़ास करके जो रिलीजन बेस्ड आतंकवादी है उनको हवा मिलेगी, उनको संरक्षण मिलेगा, संवर्धन मिलेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि 2011 के बाद में कोई बहुत बड़ी आतंकवादी घटना विश्व पटल पर नहीं हुई है और हिंदुस्तान ने जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर उस दिन से हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना में भारी कमी आई है। लेकिन अब जब तालिबानियों का शासन अफगानिस्तान में हो जाएगा तो उसके बाद में ये खतरा है कि हो ना हो आतंकवादी गतिविधियों को कहीं बढ़ावा ना मिले और उसका समर्थन तालिबान ना करे। तो दोस्तों इसलिए हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के सरहदी क्षेत्रों को और देश के इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है और उनको विशेष रूप से वाच करने की ज़रूरत है ताकि वो कोई गंभीर घटना हिंदुस्तान में नहीं कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल AJIS एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे वीडियो भेजें। थैंक यू वेरी मच।